अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये सुबह का टाइम है तो मैं कुछ पराठे बना ली हूँ, कुछ बाकी थे तो मैं आलू की भुजिया चढ़ा दी थी दूसरे चूल्हे पे। अब ये भुजिया तैयार है तो मैं इसमें धनिया पत्ता वगैरह ऐड कर दी। दूसरे चूल्हे पे मैंने पराठे भी बना लिया, तो अब मैं यहाँ पे बेसन के पकौड़े बनाऊँगी लिक्विड वाले। और ये लिक्विड वाले पकौड़े तो ऑमलेट की तरह बनाऊँगी और ये नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने थोड़ा सा बेसन ले लिया और उसमें प्याज कट करके ऐड कर दिया और उसमें धनिया पत्ता और हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दिया। इसी में मैंने साबुत धनिया कूट करके ऐड कर दिया और उसमें मैंने थोड़े थोड़े मसाले भी डाल दिया। मैंने बेसन में थोड़ा सा पानी डाल करके उसे अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं तवा में थोड़ा सा तेल डाल के फ्लैट पकौड़े बना रही हूँ। आप भी ये फ्लैट पकौड़े आलू की भुजिया के साथ खाएंगे तो आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। दही भी ऐड कर दिया था तो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा मलाई लेकर रखती हूँ तो ये प्याले भर गए थे। तो अब मैं इसे डंडे की मदद से इससे मक्खन निकाली हूँ और इसमें बर्फ़ होना चाहिए तो आपको मक्खन अच्छे से और आसानी से निकलेगा। मैंने जब मक्खन निकाल लिया तो अब मैं फ्राई पैन में डाल के इसे स्लो फ्लेम में छोड़ दी। मक्खन से घी निकलने लगी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। जब ये ठंडे हो गए तो मैं इसे छान करके इसे मैं गिलास जार में रख ली हूँ ताकि इसमें पराठे बनाऊं। यहाँ पे फरान सहन में बैठ करके सारे गमलों को इसने अच्छी तरह सफाई किया और इसे सारे मिट्टी वगैरह निकाल करके जब उसने गमलों की सफाई कर ली तो अब यहाँ पे वाइट पेंट कर रहा है। जब वाइट पेंट करके एक दिन के लिए छोड़ दिया था, फिर अब ये दूसरे दिन रेड पेंट कर रहा है। तो ये और रेड पेंट भी दो मरतबा इसने गमलों में किया और गमले भी अच्छे लग रहे हैं और खूबसूरत हो गए जब से इसने पेंट किया। तो फरहान और फुरकान दोनों भाई ने तो अच्छे से इसे पेंट कर दिया और गमले को खूबसूरत भी बना दिया। यहाँ पे गमले भी अच्छे लग रहे हैं गमलों में कलर करके और पौधों की भी ग्रोथ अच्छी हो गई जब से मैंने फर्टिलाइज़र मंगवाया। अब मैं कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैं फ्रिज की सफाई कर रही हूँ क्योंकि फ्रिज को जब हम फ्रिज से कोई चीज़ें निकालते हैं तो इसमें धब्बे वगैरह लग जाते हैं, तो मैं इनकी सफाई कर रही हूँ। मैंने फ्रिज वगैरह सफाई कर लिया तो फिर मैं किचन में आकर दोपहर के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू साग की सब्ज़ी। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैं चने की दाल भी तैयार कर ली। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए चिकन और चने की दाल बना रही हूँ। चने की दाल तो मैंने पहले तैयार कर लिया और चिकन कल के बचे हुए थे तो मैं इसमें रेशा करके ऐड कर दूँगी। लंच के लिए मैंने साग भी बना लिया और चिकन चने की दाल भी बना लिया तो हम सब ने दोपहर का खाना भी खा लिया। शाम का टाइम मैंने चाय बना लिया और बच्चों को भी दे दिया। बर्तन वगैरह वॉश करके मैंने कपड़े भी प्रेस कर लिया। अब मैं तैयार होकर के कोस्टर में बैठी हूँ और कोस्टर में बैठ के मैं जा रही हूँ अपनी भतीजी के वलीमे में, जिसकी बारात की वीडियो मैंने आप सबसे शेयर करी। हम सब यहाँ आकर बैठ गया और यहाँ पे शूट हो रहा है। इस वक्त डिनर का टाइम हो रहा था तो खाने वगैरह लगा दिए गए थे तो मैंने भी अपने लिए चावल निकाल लिया था प्लेट में। और ये नेक्स्ट डे की शाम है तो मैं यहाँ पे कोफ्ते बना रही हूँ। मुझे तो धनिया पत्ता मिला नहीं तो मैं ऐसे ही कोफ्ते बना रही हूँ। ये शाम के टाइम में खाने का टाइम हो रहा तो हम जल्दी जल्दी इस वक्त कोफ्ते बना करके फ्राई कर लेंगे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलती हूँ एक नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।